हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कौशलेश और आप देख रहे हैं एडिट गुरु। एडिट गुरु के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी चाइनीज ऐप यूजर्स के लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो चाइनीज ऐप्स यूजर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, क्योंकि कल लेट नाइट इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, जो कि अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। मैंने कल लेट नाइट को चेक किया था तो प्ले स्टोर पे वो अवेलेबल थे, बट अभी मॉर्निंग में वो सारे एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, इस एप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट 69 के अंडर इन सारे एप्स को बैन किया है। तो फ्रेंड्स, ये बैन तो क्यों किया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये हमारे डाटा को चुराते हैं अपने एप्लीकेशंस के द्वारा, हमारे सिक्योरिटी को हैक करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने इन 59 ऐप को बैन कर दिया है। फ्रेंड्स, अब हम जो वो चाइनीज ऐप यूज करते थे वो तो बैन हो गए, तो अपने हम काम कैसे करेंगे, उन एप्स को अब कैसे हम यूज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, उन ऐप को अभी से आप यूज करना बंद कर दें, अनइंस्टॉल कर दें उन सारे एप्स को। और फ्रेंड्स, अब मैं उन एप्स का अल्टरनेट ऐप लेके आ गया हूँ, मीन्स की उन एप्स के जैसा ही वर्क करने वाला दूसरा ऐप लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, वो उससे भी ज्यादा सिक्योर, वो आपके डाटा को चुराते नहीं है। वो कुछ इंडियन ऐप भी है और कुछ अदर कंट्री के भी है, बट चाइनीज ऐप नहीं है। वो आपके लिए सेफ है, वो आपके सिक्योरिटी को हैक नहीं करते हैं, डाटा को चोरी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वो कौन कौन से ऐप्स हैं और क्या है उनके यूज, मैं बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ऐप है यूसी ब्राउजर। फ्रेंड्स, ये चाइनीज एप्लीकेशन था जो कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यूसी ब्राउजर लाइट वेट का था, इसलिए हम सब यूज करते थे, और अब हमें दूसरा एप्लीकेशन ढूंढना होगा। तो मैंने फ्रेंड्स खोजा है क्रोम ब्राउजर, क्रोम, गूगल क्रोम, जो कि गूगल का है, वो आप यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए सेफ है। फ्रेंड्स, वो ऐप आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा एमबी का है, वो लाइट नहीं है यूसी ब्राउजर और यूसी वेव की तरह, बट बेटर एक्सपीरियंस देगा उन ब्राउजर से जो कि चाइनीज थे। फ्रेंड्स, सेकंड एप्लीकेशन है हमारा जूम ऐप, जो कि अभी तो बैन नहीं है, बट कुछ दिन में मे बी वो भी हो सकता है। तो फ्रेंड, और चाइनीज भी है तो उसे यूज करना बंद कर दें, और उसके जगह पे आप गूगल मीट मीटिंग का यूज कर सकते हैं। गूगल मीट ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लास करने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन है गूगल का ही ऐप है, जो कि आप यूज करते हैं फोटो एडिटिंग के लिए, और भी एक दूसरा एप्लीकेशन है जिसे आप फोटो एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपने फोटो को अच्छे से बना सकते हैं। मैंने पिछली 2-3 वीडियो में उस एप्स का जिक्र किया है, जो कि मैंने बताया कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो दोनों ऐप है, पहला स्नैपशॉट जो कि गूगल का अपना ऐप है, और दूसरा एक पिक्सआर्ट है जिसे आप यूज करके अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन है ई कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे आप यूज करते थे थोड़े चीप रेट पे शॉपिंग करने के लिए, जैसे मैं शॉपक्लूज, स्नैपडील और अदर बहुत सारे एप्लीकेशन थे जो कि हम शॉपिंग के लिए यूज करते थे। अब उन एप्स को आप यूज करना बंद कर दे, चीप रेट पे देते थे बट फिर भी उनका प्रोडक्ट सही नहीं होता था। फ्रेंड्स, आप उन एप्लीकेशन को छोड़ के और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ये सब एप्लीकेशन का यूज करें, जो कि उनसे बहुत बेटर है। और आपको तो पता ही, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट शॉपिंग कंपनी अमेजोन है, तो ट्रस्टेड तो है ही, आप उसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैप, जो कि आप चाइनीज एप्लीकेशन मैप के लिए यूज करते थे, अब आप गूगल मैप का यूज करें। रेयर केस में ही लोग चाइनीज ऐप का यूज करते थे मैप के लिए, बट अगर यूज करते हैं तो उसे अनइंस्टॉल कर दें और गूगल मैप ही यूज करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा शेयर इट, जो कि आप यूज करते थे, जो कि चाइनीज ऐप है, उसे आप अनइंस्टॉल कर दे और एक्सटेंडर, दोनों फाइल ट्रांसफर के लिए आप यूज करते थे। फ्रेंड्स, बट अब गूगल का ये ऐप है, गूगल फाइल, आप उसे डाउनलोड कर ले। ये ऐप फ्रेंड्स फाइल ट्रांसफर के लिए भी है और आपके फाइल मैनेजर के लिए भी है, ये एक फाइल मैनेजर का भी काम करता है और क्लियर का भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, शेयर इट, एक्सटेंडर और क्लीन मास्टर और 360 सिक्योरिटी, आप जो भी क्लीनिंग के लिए आप रखें, सारे चाइनीज एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें और गूगल फाइल को आप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसे जरूर डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, अगली हमारी एप्लीकेशन है गूगल डॉक्स। आप पहले दूसरे एप्लीकेशन का यूज करते थे जो कि चाइनीज एप्लीकेशन थे, अब आप गूगल डॉक्स का यूज करें जो कि गूगल का है,
उस पे आपको बैकअप का भी ऑप्शन है, आप उसको क्लाउड में करके रख सकते हैं, आप जब चाहे उस डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फ्रेंड्स कैम स्कैनर, जो कि चाइनीज एप्लीकेशन था, एक बार पहले से भी प्ले स्टोर से वो हटा दिया गया था, बट फिर भी वो अब एप्लीकेशन आ गया था, बट बैन होने के बाद वो अब फिर से जा चुका है। तो हम अपने फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट या डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए कैम स्कैनर का यूज करते हैं। बट फ्रेंड्स गूगल प्ले स्टोर पे एक बहुत ही बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है एडोब कैम, आप उसे यूज कर सकते हैं, एडोब स्कैनर का यूज कर सकते हैं आप फ्रेंड्स अपने फोटोज या मतलब डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, आप उसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप इस चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करने ना भूले ताकि मैं अगली बार जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स चल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।